जय गुरु। शिक्षकों की योग्यता प्रसंग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले हैं, मास्टर साहब के प्रति श्रद्धा के द्वारा छात्रों का अभ्यास व्यवहार ही यदि ना हुआ, समझ ना होगा, वो शिक्षा शिक्षा ही नहीं है। एक टुकड़ा स्टील, वो यदि मैग्नेट के आकर्षण में पड़ता है, तभी स्टील के कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स सारे रीएडजस्टेड होकर उसी स्टील वो मैग्नेट में रूपांतरित हो जाते हैं, और ऐसा होता ही है। ऐसा यदि ना हो तब समझना होगा, मैग्नेट वास्तव में मैग्नेट ही नहीं है। इसलिए तो मास्टर को होना होगा संपूर्णतया गुरु अनुगत गुरुमुख। दिनांक 6/4/1960 भाग्य एवं निष्ठा आलोचना प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी ने बातचीत के क्रम में कहा कि भाग्य है भजन, अर्थ है टू सर्व टू ऑब्जर्व, सेवा करना पर्यवेक्षण करना। भाग्यवान जो है उनमें यह सब रहता है, यह सक्रिय रहे तो विकृति नहीं आती है। मेरे विचार से नर्व या स्नायु को जिस प्रकार व्यवहार में लाया जाता है, भाग्य भी उसी प्रकार घटता जाता है। इसमें आँख, कान, नाक, जीवा का भी व्यवहार है। असत्य पथ पर चलने से, व्यवहार करने से भाग्य खराब होता है। सद्भाव से व्यवहार करने पर भजन या सेवा शुभ दिशा में चलने लगता है एवं भाग्य का उदय हो जाता है। श्रद्धेय प्रफुल्लदा ने जिज्ञासा किया कि मनुष्य हुए बिना ही वो सब कुछ का समाधान करना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि टेलीफोन का तार काट दो एवं घर में टेलीफोन रखो तो आवाज़ सुन सकोगे। श्री ठाकुर जी ने एक बानी दिए हैं, निष्ठा ज़्यादा नहीं संगतिशील सद विवाह नयोग तादर ठाई। निष्ठा का अर्थ है प्रिंसिपल अडॉप्ट या आदर्श को ग्रहण करके तद्भाव में भावित होकर चलना। निष्ठा रहने से आनुगत्य आता है। इष्ट आदर्श ही सेवा अनुराग का सेंट्रल फिगर या केंद्रीय प्रतीक है। उनके प्रति सेवा अनुराग तुम्हारे चरित्र में चरित्रगत होना चाहिए। कल्पनारे बा बास्तवतारे जेउटाई हेउना स्वस्तिप्रद, कही करी गढ़ी तोली अस्तित्व के ही करे सुबद। डूइंग, डोंट रिग्रेट फॉर नॉट हैविंग विदाउट डूइंग इन द वे यू कैन हैव। टू बिकम सैड विदाउट डूइंग इनवाइट्स ए नॉट टू गेट। टू गेट व्हाट एवर इट माइट बी, वन मस्ट लर्न हाउ टू गेट इट एंड डू दैट एग्जैक्टली। इज देयर एनीथिंग मोर फुलिश दैन टू बिकम impatient to get without doing? Know it for sure, doing is the mother of getting. Only when doing is in accordance with desire does success appear. The desired good of man remains hidden beneath his habitual superstitions, and the giver of good is punished only when conflict appears between the goodness he gives and the habitual superstitions. So the Savior is slandered in his own country. Nature reproaches those who approach the unsensed with neglect and rejection of what is sensed. Those for whom the sense is colored or humiliated by the unseen are deceived. Surrender to his will. Pray for the love and keep violence far away. The world must be attracted to you. May thou be an ascetic at heart. Dress not thyself as a hermit, and be not chameleon-like for nothing. Let thy mind roam about on the source or Brahma, but be not busy to dress thyself in saffron robes or to paint the body, for then the mind may incline to these things. Give up pride, you shall be able to remain in good. Make the fallen hear the message of rescue. Give hope by hook or by crook.
ट्राई टू हेल्प देम टुवर्ड्स एलिवेशन एनकरेज बट लेट देम नॉट बी वांटन इफ एवर आफ्टर गिविंग योर ऑल टू योर बिलव्ड यू आर इमर्स्ड इन हिम एंड हैव फियर्स ऑफ फ्लोटिंग अप देन डू डाइव एट वंस विथ ऑल योर ऑर्डर एंड लव एंड लॉस योर सेल्फ यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल इज द बिलव्ड एंड हाउ ही हैज एम्ब्रेस्ड यू इफ द स्लाइटेस्ट पब्लिक क्रिटिसिजम रिडिकल इंक्लिनेशन टू रिलेटिव लॉस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट नेग्लेक्ट और आईवीज फ्रॉम वंस ओन और अदर्स कैन मेक यू एलिव फ्रॉम योर बिलव्ड हाउ सिंपल इज योर लव हाउ मेग्री इजेंट इट सो इफ यू अंडरस्टैंड ए थिंग टूडे डोंट यू टुमोरो डिनाई द सेम कलिंग इट ए रिटेल डोंट प्ले फॉक्स लाइक दैट बिकॉज इवन द लोअर एनिमल्स डू नॉट फॉरगेट व्हाट दे वांस अंडरस्टैंड सो टू स्पीक लाइक दिस इज टू डिस्प्ले फिकलनेस और विकेडनेस टूडे यू आर बेनिफिटेड टुमोरो ब्लाइंडेड बाई सेल्फिश इंटरेस्ट यू प्रिटेंड टू बी रॉन्ग्ड डोंट इनवाइट सच इनग्रेटिट्यूड व्हाट इज द मीनर दैन दिस आस्क एनीवन Unless one is a fool, one cannot be induced by slander from the benefited to blame the benefactor. When the helper is harmed by the helped, stupid pride breaks the bolt of gratitude and throws open the path of death strewn over the thorns of arrogance. Treachery pursues him who considers the shelter ugly because of any disrepute. Of the sheltered ones. Unfeeling and unbenefiting activities for the beloved are never the signs of telling love. One not designed to do anything for the beloved, yet loving much is like a bronze dove made of gold. The selfish in spirit generally love like that, so it is better to guard against the sort of disinterested love. Otherwise, there is every possibility of danger. You love. But when the beloved insists, influence, rules, insults, makes angry pretense of or force, and you rather than feeling pleasure suffer from the reverse and all your happiness vanishes away, I say you will cheat and be cheated surely, and this will continue as long as you are such. So while there is time, take care, the charm of love increases with hindrance. Causes no hatred to grow when oppressed by the beloved, become vigorous in separation, doesn't stupefy a man, remains forever unsatisfied, never leaves once it has tossed and is unchangeable. The infatuation of lust decays if hindered, arises hatred if oppressed by the desired one or if one doesn't get as expected, makes one forgetful in separation and cowardly and stupid, brings satiety and depression in enjoyment, doesn't last long, it is changeable, be venerable but no insufferable. If you like to charm, be charmed completely, if you like to be beautiful, see beauty even in the ugly. The beauty and meaningfulness of life lies in being devoted to one with intensity and continuity. When liking for many cannot shake or sever the liking for one, that liking is the sister of love. Better be attached to the true master than be shattered by the consideration of good and evil. You shall safely achieve success, it is sure. At the time of weakness, think of beauty and strength, and when vanity seeks to possess you, think of the beloved and of humility. Mental health will remain undisturbed. Don't be spoiled by seeing faults, and don't spoil those who are attached to you. Given to him, don't want, but feel blessed if you get. Surrender to his will. Don't try to make him wild to you, because he alone is beautiful to you. Never give up the craving for union, otherwise the pang of separation will not be sweet, and you will not be able to feel peace in distress. As much as you thought, activity, feeling for one, so much is your inclination, charm and love for him, and in the same way, he alone to whom you have surrendered, your all is your Lord, your guide supreme. Jai Guru.